आई शैल बी स्पीकिंग ऑन रेस्पिरेटरी टूल्स लाइक ब्रोंकोस्कोपी एंड हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं और हर एक पेशेंट को ब्रोंकोस्कोपी और ईबस की जरूरत नहीं रहती। जिनके अंदर प्रॉब्लम्स जैसे कि कफ, वेट लॉस और ये सारी समस्याएं रहें और जिनके सीटी स्कैन के अंदर समस्याएं अनडिटेक्ट रहें, एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट लेने के बाद भी समस्याएं बढ़ती रहें, सो ब्रोंकोस्कोपी एक सिंपल टूल होता है, एक इक्विपमेंट होता है। लाइकवाइज एंडोस्कोपी, जैसे एंडोस्कोपी से हम स्टमक के अंदर देख सकते हैं, तो ब्रोंकोस्कोपी हम नोज के थ्रू करते हैं। सिंपल प्रोसीजर होता है जो अराउंड 10-20 मिनट्स लेता है, लाइट सेडेशन में हम करते हैं। तो ब्रोंकोस्कोपी इज ए टूल और ए इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम नोज के थ्रू लंग्स के अंदर देख सकते हैं अगर कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे राइट साइड ऑफ लंग में है या लेफ्ट साइड ऑफ लंग में है। सो हम अपना ब्रोंकोस्कोपी इक्विपमेंट्स जो कि काफ़ी डिफाइंड, काफ़ी सॉफ्ट रहता है, तो हम लाइट सेडेशन में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है पेशेंट को। वी आर गोइंग डीप थ्रू द ट्रेकिया, थ्रू द नोज, जिसके हम विंड पाइप के थ्रू हम राइट साइड में और लेफ्ट साइड में लंग्स के डीप स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं। और जहाँ पे भी अगर हमें इन्फेक्शन है या हमें डायग्नोज करना है, तो हाँ वहाँ पे हम थोड़ा सा सलाइन डाल के हम सैंपल भी ले लेते हैं, जिससे कि हमें टीबी काइंड ऑफ समस्याएं और कैंसर काइंड ऑफ समस्याएं जितनी भी रहती हैं डिजीजेस, वो पता चल जाते हैं। सो ब्रोंकोस्कोपी, सिंपल ब्रोंकोस्कोपी इक्विपमेंट जो भी रहता है, वो कॉरपोरेट्स हॉस्पिटल, मिडिल गजेट हॉस्पिटल, जितने भी स्मॉल हॉस्पिटल, हर जगह अवेलेबल होता है और हम करा भी लेते हैं, क्योंकि इट इज़ डन बाई पल्मोनोलॉजिस्ट।